नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। सरगुजा पुलिस द्वारा फिट को फिट सिटी अभियान पिछले 6 महीने से चलाया जा रहा है। दरअसल इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरगुजा पुलिस के अधिकारी कर्मचारी और आम जनता जो इस अभियान से जुड़े हुए हैं वो नियम से योगा अभ्यास करें और स्वस्थ रहते हुए दूसरे लोगों को भी स्वस्थ लाभ दे सकें। तो वहीं सांड बहार बैरिया से लेकर बाकी रमा गांव तक 6 किलोमीटर की दौड़ का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 300 पुलिसकर्मी एवं सिटीजन शामिल रहे, साथ ही जिन्होंने नियमित गांधी स्टेडियम में आकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहे और अपने अंदर बदलाव किया उन प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। उन्हें पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव व पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। मैं इसमें लगातार अचीव कर रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। किस प्रकार? सर, मेरे को ये 6 किलोमीटर का सेकंड प्रशस्ति पत्र मिला है, जो मैं इस बार सेकंड आई थी। बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। लोगों को क्या मैसेज? लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि डेली अपने वर्कआउट पे आएँ, अपना फिटनेस में ध्यान दें। फिट को फिट सिटी का कार्यक्रम लगभग पिछले 6 माह से नियमित रूप से संचालित है। उसी में फिटनेस को प्रमोट करने के लिए पुलिस कर्मी और सिटीजन्स के लिए डिफरेंट इवेंट्स किए जा रहे हैं। उसी तारतम्य में आज माननीय आईजी सरगुजा सर श्री अजय यादव सर की प्रेजेंस में एक 6 किलोमीटर दौड़ का यहाँ पर आयोजन किया गया था, जो सांडबार बैरियर से स्टार्ट करके बकीरमा गांव तक की 6 किलोमीटर की दौड़ थी और लगभग 300 प्रतिभागियों ने, जिसमें पुलिस एवं हमारे सिटीजन्स, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अच्छा ये एक दौड़ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गीता कश्यप है, मैं फिट कॉप फिट सिटी की मेंबर हूँ। ये फिट कॉप फिट सिटी कैंपेन लगभग 29 मई से चल रहा है। इसमें बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं और मैं भी यहाँ की कंटिन्यू मेंबर हूँ और हमारी रिस्पेक्टेड एसपी मैम से कंटिन्यू हमारे लिए नया नया टारगेट दिया जाता है, जो कि हम उसको हमेशा अचीव करने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम जाएँ कभी रनिंग के लिए, कभी और सारी चीज़ें कंटिन्यू। वहाँ जुम्बा होता है, योगा होता है और हम हमेशा उसमें मतलब अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। अंबिकापुर सिटी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए चोरी के सामानों से भरे ट्रक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ट्रक में लोहे के पाइप और लदी थी जो कि चोरी की थी। तो वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। इसमें जो है लगभग 8 टन जो है कबाड़ का सामान और जो मोटरसाइकिल पार्ट्स वगैरह बरामद हुए हैं। आरोपी जो दुकान संचालक है नरेंद्र सिंह और जो है वो चालक जो है कासिम, उन दोनों को जो है पुलिस पकड़कर उनसे दस्तावेज की मांग की, तो कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। दोनों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और 41/1/379 के तहत उनके तहत इसी का कबाड़ की कीमत लगभग अभी वर्तमान में 2.5 लाख रुपये की है बताई जा रही है। कोरबा की ग्राम पंचायत में पड़ोसी युवकों ने जमीनी विवाद को लेकर जमकर हाथापाई की, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को टांगी मारकर घायल कर दिया। घायल युवक को स्थानीय निवासियों की मदद से उप स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रायगढ़ मां काली फैक्ट्री में कन्वेयर बेल्ट की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसकी हॉस्पिटल ले जाने के दौरान मौत हो गई। घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही के कारण युवक की मौत हुई है, जिसको लेकर परिजन और ग्रामीण फैक्ट्री में बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही लापरवाह फैक्ट्री प्रबंधन के ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए परिवारजनों को मुआवजे देने की मांग कर रहे हैं। बेमित्रा जिले में बीते साल होलिका दहन पर पुनारी रंजिश में युवक की लोहे के हथियार से हत्या की गई थी, जिस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पंकज सिन्हा ने फैसला सुनाया, जिसमें हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। थाना क्षेत्र अंतर्गत ललित साहू अपने गांव में अन्य लोगों के साथ ताश
खेल रहे थे वहाँ पर बैठा हुआ था। आरोपी शनन निषाद रात्रि करीब 12 बजे अपनी मोटरसाइकिल में लोहे का हथौड़ा लेकर आया और पुरानी रंजिश पर से ललित साहू के सिर एवं कनपट्टी में मार के घायल कर दिया। उसके परिजन उसको इलाज हेतु अस्पताल ले गए जहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इस प्रकरण में हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया था। आज इस प्रकरण में माननीय पंकज कुमार सिन्हा अपर सत्र न्यायाधीश बेमेतरा ने निर्णय पारित करते हुए आरोपी धनंजय निषाद को हत्या का आरोप सिद्ध पाकर आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। अयोध्या में परिक्रमा छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।